मऊगंज के ग्रामीण इलाके आज़ादी के 70 साल बाद भी पिछड़ेपन का शिकार हैं। कितने ही विधायक यहाँ से जीते और कितनी ही सरकारें बनी, लेकिन हालात जस के तस। हमारी टीम ने जब सर्वे किया तो ग्रामीणों की बेचारगी साफ दिखाई दी। मऊगंज मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गांव फूल हरचंद सिंह है, जहां मेन रोड से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि आज भी वहाँ चलने लायक सड़क नहीं है। अगर किसी मरीज को सिविल अस्पताल ले जाना हो तो चारपाई ही एक सहारा है। सड़कें बनाने के लिए प्रधानमंत्री योजना और मुख्यमंत्री योजना है, लेकिन इस गांव में कोई भी योजना अमल में नहीं आई। सरपंच और सचिव मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मनरेगा के मस्टर रोल में फर्जी नाम लिखकर पैसे खा रहे हैं। जिन ग्रामीणों से मजदूरी करवाई गई उन्हें आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया। विकास के नाम पर तालाब की खुदाई और मेड़ बंधान का काम कागजों पर हुआ है। यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी कभी निरीक्षण करने नहीं आता, क्योंकि यह अति पिछड़ा गांव है। साहब की गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है, और जो ग्रामीण हैं वह कहते हैं कि अगर शिकायत करनी हो तो यहाँ से हनुमना जाना पड़ेगा, जहाँ का किराया 100 रुपये है, या फिर रीवा जाएँ तो 300 रुपये किराया खर्च करें और दिन भर का समय अलग से नष्ट हो। ऐसे में चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने ग्रामीणों की सुध ली तो उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत थी साहब, लेटरी बाथरूम कुछ नहीं बनाया है, न पैसा मिलल हमका। मान ले काम करन, अपना का मजदूरी जब करे जा तो अपना पेट तो झाका। काहे में काम किया था? आंगनबाड़ी। तो सर तो सरपंच ने नहीं दिया? सरपंच नहीं। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं, डाल दिए हैं, जाते चेक करने के लिए तो मिलते ही नहीं है। तो आपने कहीं शिकायत नहीं की? इस ग्राम पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, तो कौन कौन सी योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है? आंगनबाड़ी स्कूल में, ग्राम पंचायत में, आंगनबाड़ी में, और जो ये बना है ऑफिस स्कूल के, सब भ्रष्टाचार है। तो आंगनबाड़ी में क्या भ्रष्टाचार हुआ है? आंगनबाड़ी में आज 7 साल के आज तक ओकर उम्र लड़का बैठे जाए कि नहीं भर पूछे पड़ेगी है। कागज़ में बन गया है? कागज में बना है। और यहाँ वो भी नहीं है, लेटरिन भाई फूल हरचंद सिंह में कहीं नहीं है। 20 घर से ऊपर है ये मनाई, इनकी एक थे लेटरिन नहीं बनी। शौचालय का निर्माण सिर्फ कागजों में हुआ है? कागजों में, सब रिकॉर्ड में बने। इस ग्राम में कितनी आबादी होगी? इस ग्राम में आबादी होगी कम से कम 400 मोहल्ले में। तो कितने घरों में शौचालय बन गए हैं? अपने से जीवन बांधते के यहाँ बनी है, सरकारी केहू की नहीं बनी है। और सड़क भी नहीं बनी है यहाँ? कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो 5 साल हो रहे हैं सड़क नहीं बन पाई, इसका आप लोग विरोध नहीं किए? सरपंच जब अपने पंचायत के है तो दूसरे पंचायत में ट्रैक्टर चलावत। सरपंच कमीशन खा रहे हैं? हाँ। सेक्रेटरी? सेक्रेटरी यहाँ उतर नहीं आई है, करोना माँ यहाँ अवै नहीं भी, तब अब आई। आप लोग कहीं शिकायत किए? शिकायत सुनत को है बहुत करी थी तो को सुनत, कभी कोई जांच नहीं हुई? कोई जांच बेर आए हैं तो उनका पैसा पाए गए फूल के पास लौटवाई। ये कौन सा गांव है? फूल हरचंद। तो सरपंच भ्रष्ट हैं? हाँ सर, नहीं मिला पैसा। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? कहाँ किए थे? तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ कहाँ काम किए हैं? यह गैला है, सड़क सड़क, और ये स्कूल में माटी डाले हैं जी, और गहरीकरण है। आपका? हमारा भी सर यही है, कहाँ से आंगनबाड़ी में किए, गैला में किए, वहाँ अपना गहराई में किए, वहाँ लेटरिन बनाए, कहाँ से बाल मुकुंदा में आज तक 1 रुपया नहीं मिला। आपकी क्या समस्या है? सर जी यहाँ काम करे, यहाँ रोड पर काम करे, वो जो तालाब बोलता है वो गहरीकरण में रहा, वो हमें काम करे, पैसा 7-8 रुपया।
मनरेगा का आप लोगों की मजदूरी ही नहीं मिली, तो आप लोग कहीं शिकायत नहीं किए? यहाँ आते उल्टा सीधा दस्तखत मरवा लेते, कहते कि वो शिकायत करने गए थे, उसी का है काना से मार दीजिए दस्तखत आगे बढ़ेगा, और उल्टा सीधा सब करके चले जाते थे।